पंजाबी गायक ते फिल्म अदाकार दलजीत दुसांझ अजकल मरहूम पंजाबी गायक अमर सिंह चमकीला दी लुक विच नजर आ रहे ने, क्योंकि उन्हां दी अमर सिंह चमकीला ते जल्द ही फिल्म आ रही है, जिसके चलते अमर सिंह चमकीला का नाम एक बार फिर तो सुर्खियां दे विच छाया होया है। करीब 35 साल पहला जलंधर के एक पिंड दे विच चमकीला का गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। सो आओ तुहानू दस दें कि किमें छोटे जिहे पिंड का धनी राम किमें बनिया सी अमर सिंह चमकीला अते किमें उसने गायकी दे अंबरां नू छोया। अठ मार्च 1988 ओ मनहूस घड़ी जदों कुछ लोगों ने अमर सिंह चमकीला अते उसके साथियों का गोलियां मार के कतल कर दिता सी। दरअसल अमर सिंह चमकीला जलंधर के पिंड महसमपुर विखे एक NRI के घर में ब्याह मौके अखाड़ा लाने लई आए हुए सी। प्रशादा पानी छकन मगरों जदों चमकीला अपने साथियों समेत गड्डी विच बैठ के अखाड़े वाली थान लई रवाना हुए तो कुछ दूरी ते जाके कुछ हमलावारा ने उन्हां ते गोलियां चला दित्तियां, जिस कारण अमर सिंह चमकीला, बीबा अमनजोत कौर, हरजीत सिंह गिल अते बलदेव सिंह ढोलकी मास्टर दी मौके ते ही मौत हो गई। महसमपुर विच चमकीले दा आखरी दिन सी। इन्ना फेमस कलाकार होने के बावजूद अज तक उसके कातलों का कोई पता नहीं चल सकिया कि कौन सन। भावें कि अमर सिंह चमकीला ने काफ़ी लंबा समा पंजाबी गायकी के खेत्र में अपना कब्जा जमा के रखिया अते उसके गीत पंजाबियों के जवान ते चढ़े हुए सन, पर यह बहुत ही घट लोगों को पता होएगा कि मरहूम पंजाबी गायक अमर सिंह चमकीला का असली नाम धनी राम सी। चमकीले का जन्म 1960 जिला लुधियाना के पिंड दुगरी विखे एक गरीब परिवार विच होया। घर की आर्थिक हालत माड़ी होने करके धनी राम जानी चमकीले के सिर ते छेती ही परिवारिक जिम्मेवारियां का बोझ पै गया, जिसके चलद वह लुधियाना की एक हौजरी विच काम कर लगा। चमकीले नू बचपन तो ही गीत लिखण दा काफ़ी शौक सी। वो अपनियां कापियां विच गीत लिखता रहिंदा सी। वो अपने इस शौक नू अगे ले जाण लई मौके दा इंतजार कर रहा सी कि कदों कोई उस नू मौका मिलेगा अते वो अपनी इस कला नू अंबरां ताईं पहुंचा सके। पंजाबी गायक सुरेंद्र शिंदा ने ही दुगरी दे धनी राम नू चमकीला बनाया सी। किस्सा कुछ इस तरह है कि सुरेंद्र शिंदा अपने एक दोस्त नाल मोगा विच बैठे सन। ढोलक मास्टर केसर सिंह टिक्की ने शिंदे नू आख्या कि एक मुंडा तुहानू मिलना चाहुंदा है जो बहुत सोहणे गीत लिखदा है। शिंदे ने उसनू कोल बुलाया तो देखिया कि बिल्कुल देसी जिहा मुंडा सी जो रोटी भी झोले विच अपने नाल ही साइकिल ते टंगी फिरदा सी। धनी राम जानी चमकीले ने शिंदे नू अपने शौक बारे दस्या। इस मगरों चंडीगढ़ के बुड़ैल विच एक प्रोग्राम दौरान ਉਹ ਚਮਕੀਲੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪਰ ਵਜੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਚਮਕੀਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੱਥਾ ਪੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਮ ਚਮਕਾਏਗਾ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੰਨ 1977 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ MMB ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਰਤਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਕੈਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਮਕੀਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਚਮਕੀਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਸਟ ਸੀ। चमकीले दियां जोड़ियां भावें कई गायकावां दे नाल बनियां, पर अमरजोत दे नाल उन्हां दी जोड़ी काफ़ी हिट हुई। अज अमर सिंह चमकीले नू इस दुनिया तो गया भावें 35 वरे हो चुके ने। अज अमर सिंह चमकीला नू इस दुनिया तो गया भावें 35 वरे हो चुके ने, पर अज भी पंजाब विच अमर सिंह चमकीला दे गाने सुनन वाले वड्डी गिणती विच लोक मौजूद ने। पर अफसोस चमकीले दे कातलां दी अज तक कोई उग सुग नहीं निकल सकी। पता नहीं उन्हां आसमान खा गया जां फिर जमीन निकल गई। चमकीले दे प्रशंसकां विच अज वी इस गल दा रांझा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हमदर्द TV।